गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वर्कशीट है फॉर क्लास टेंथ दैट इज़ वर्कशीट नंबर थर्टी फोर डेटेड ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो आई होप ऑल ऑफ यू आर इन्जॉइंग दीज वर्कशीट्स एंड यू आर कीपिंग देम सेफ एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ योर सेल्फ सेफ एज वेल यू ऑल आर स्टेइंग एट होम एंड स्टेइंग सेफ सो हेयर आर समन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड तो रूल्स हमें पता है हमारे लिए कुछ ना कुछ रूल्स बने होते हैं एक सोसाइटी में रहने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं है ना हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है तो देर आर सम नॉर्म्स देर आर सम रूल्स वि वी हैव टू फॉलो बट समाइम्स कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमें लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है या जो हम कह सकते हैं कि ये बहुत वियर्ड से रूल्स हैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ वियर्ड से रूल्स की बात की गई है कुछ ऐसे फन फैक्ट्स uh, लिखे गए हैं रूल्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यू वुड बी सरप्राइज कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा भी कोई रूल हो सकता है सो द फर्स्ट वन इज़ डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया रशिया में अगर आपकी कार गंदी है तो यू कैनॉट टेक इट ऑन द रोड यू कैनॉट ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया नेक्स्ट इज इन ओशावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइम्ब अ ट्री यू कैनॉट क्लाइंब अ ट्रीम इन ओंटारियो क्योंकि वहाँ पर ये इलीगल है इ लीगल का मतलब ये है कि इट इज़ नाट इन यू नो यू विल भी पनिश्ड इफ यू डू दिस इलीगल का मतलब होता है कि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ यू विल भी पनिश्ड फॉर इट नेक्स्ट वी सी इज़ डोंट फ्राउन फ्राउन मीन्स क्या होता है फ़्राउन मीन्स जब आप किसी को डिसअप्रूवल के लिए जो फ़ेस बनाते हो आप किसी चीज़ से जब आप सहमत नहीं होते या मेरी इच्छा के अनुसार अगर कोई काम नहीं हो रहा होता तो वो जो हमारे आ, माथे में सलवट आ जाती है जब हमारे आईब्रोज जैसे एज कैन यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज़ वेल कि आईब्रोज फ्राउन हो जाती है मतलब ब्रो की जो शेप है वो चेंज हो जाती है जैसा कि इस फोटो में बना हुआ है जब हमारे अंदर गुस्सा होता है किसी बात को लेकर या हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते है ना नाराज़गी दिखानी है तो हम थोड़ा सा चेहरा ऐसा बनाते हैं कि जब हमारी आईब्रोज थोड़ा पास आ जाती हैं माथे में सलवट पड़ जाती है दैट इज़ फ्राउनिंग फेस तो इटली में इन मिलान इटली इट इज़ इ फॉर चिल्ड्रेन टू फ्राउन सॉरी इट इज इीगल फॉर सिटीजन टू फ्राउन इन पब्लिक पब्लिक में मतलब अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो आप फ्राउन नहीं कर सकते यू कैनॉट मेक अ फ्राउनिंग फेस इन पब्लिक ओके अन दे आर एट अ फ्यूनरल और विजिटिंग सम वन इन द हॉस्पिटल या तो आप हॉस्पिटल में किसी को देखने जा रहे हैं आप परेशान है तो आपका फेस ऐसा बना हुआ है या आप किसी की फ्यूनरल पर हैं कि किसी के जाने का आपको दुख है आप उसकी फ्यूनरल में हैं तो आप ऐसा दुख वाला चेहरा या ये फ्राउनिंग फेस जब आप परेशान हैं ये वाला फेस आप बना सकते हैं अदरवाइज पब्लिक में यू कैन नॉट मेक अ फ्राउनिंग फेस इन इटली इट इज सो वियर्ड नेक्स्ट इट इज इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर कैन यू थिंक अबाउट इट यू नॉट चीव अ गम इन सिंगापुर और आप यहाँ देखिए इंडिया में से आप च्यू ही नहीं करते सिर्फ आप उसको जगह जगह थूकते भी हैं स्पेशली इन क्लासेस वी सी याद है ना आप लोगों को कैसे मैं क्लास में टोकती थी आई मिस दोज डेज बट आप लोगों की चुविंगम मिस नहीं कर रही हूँ मैं येस बट आई मिस यू ऑल पीपल हाँ तो चुविंगम च्यू च्विंग करके उसको जैसे आप लोग क्लास में ऐसे कहीं भी थूक देते थे बेंच पे चिपका देते थे दूसरे बच्चे को परेशान करने के लिए वॉल पे फेंक देते थे चिपका के ये सब तो मतलब बहुत ही दूर की बात है वहाँ तो आप पब्लिक यू कैन नॉट इवन च्यू अ गम सिंगापुर में नेक्स्ट इज इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस वेनिस में कबूतरों को दाना खिलाना पी पिजन्स को फीड करना इलीगल है सो so, इलीगल का मतलब है कि इफ़ यू आर कॉट डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी पनिश्ड सो वी यूज द मॉडल मस्ट वेन इट बिकम्स योर अब हम बात कर रहे हैं आज मोडाल की तो मस्ट हम कब यूज़ करते हैं फर्स्ट इज इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग अगर कोई चीज़ करना आपकी ड्यूटी है तो हम वहाँ पर मस्ट लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज यू आर ऑब्लाइज टू डू इट मतलब जब आप अथॉरिटी से कहीं से आपको ये ऑर्डर है कि आपको ये करना है यू आर ऑब्लाइज टू डू दिस नेक्स्ट यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज अगेंस्ट द रूल्स रूल्स है या कोई चीज वो मना है तो वो करना मना है तो वहां परंप अ रेड लाइट जम्प रेड लाइट मतलब जैसे हम कार में होते हैं रेड लाइट होती है फिर भी हम क्रॉस कर जाते हैं यू मस्ट नॉट जम्प रेड लाइट वाई बिकॉज नहीं तो आपका चलान हो जाएगा नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मस्ट इन अंटेंस फर्स्ट वन इज यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर इट इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स तो यहाँ पर मस्ट नॉट हमने यूज किया क्यों क्योंकि बहुत क्लियर वार्निंग है कि ये रिवर जो है इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर यू मस्ट नॉट टेक रिस्क फॉर याइफ नेक्स्ट आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म वेन आई एम ऑन ड्यूटी तो इसमें क्या है कि आपकी यू आर ऑब्लाइज टू डू दिस ना आपको करना ही है ये वैन यू आर ऑन ड्यूटी यू हैव टू वेयर आर यूनिफॉर्म आप जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं पुलिस वाले हैं है ना यू नर्सेज हैं यू सी ऑल ऑफ दिन यूनिफॉर्म्स वेन दे आर ऑन देर ड्यूटी सो वट वी हैव टू डू नाव इज वी हैव टू कम्प्लीट द गिवन सेंटेंसिस बाय चूजिंग द सुटेबल वॉड फर्स्ट वन इज दीज डेज वी डैश वेयर अ मास्क वेन वी गो आउट अब अब जो सिचुएशन है कोविड की इस समय इट इज़ कम्पल्सरी इट इज़ मैंडेट्री फॉर एवरी वन टू वेयर अ मास्क बिफोर स्टेपिंग आउट बाहर निकलने से पहले आपके लिए मास्क पहनना कंपल्सरी है यू आर ओब्लाइज्ड टू डू दैट एंड इफ यू डोंट डू इट आपको उसके लिए पनिशमेंट है कि चालान हो जाता है, है ना तो इसलिए यहाँ पर हमारा आना चाहिए मस्ट ओके okay?

इट इज़ माई चॉइस आप कर सकते हो ऐसा कैन कर, मीन्स कर सकते हो आप यू कैन डू इट तो यहाँ पर क्या आएगा यू कैन वेयर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट कैन क्यों आएगा क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हो तो आपको शील्ड पहनना है यू कैन वेयर अ शील्ड पहन इसलिए सकते हो कि आपको और ज़्यादा प्रिकॉशन अगर रखना है अपने लिए अपना और ज़्यादा बचाव करना है तो यू कैन वेयर अ शील्ड लेकिन हैव टू नहीं आएगा क्योंकि कंपल्शन नहीं है अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं आया है नेक्स्ट एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम अब यहाँ पर क्या है कि ये आपकी ड्यूटी है इस समय कि आप जितना हो सके घर पर रहें जब, जब बार बार आप सुनते हैं कोविड की जो हमारी जो कॉलर ट्यून लगी हुई है व्हेन यू कॉल समवन तो एक कोविड का मैसेज चलता है उसमें साफ साफ क्या बोला जाता है जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले तो दी स्टेज इट इज योर ड्यूटी टू स्टे एट होम तो इसलिए हम लगाएंगे मस्ट ओके सो एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम सैनिटाइजर डैश बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स आप अगर कोई आपने ऐसा ऑब्जेक्ट छुआ जो किसी दूसरे ने टच किया था तो उसके बाद सैनिटाइजर मस्ट है या शुड है तो यहाँ पर हमें लगाना है शुड क्यों क्योंकि ये एक एडवाइस है कि भाई अगर कोई आप ऐसी चीज़ छूएं तो यू शुड यूज़ अ सेनेटाइजर ये नहीं हम कह सकते कि यू मस्ट यूज़ अ सेनेटाइजर क्योंकि कोई कंपलशन नहीं है जब तक वो कंपल्शन ना हो ड्यूटी ना हो या फॉरबिडन ना हो वो चीज़ की आप कर ही नहीं सकते तो कैसे कर रहे हो आप ठीक है तब तक हम मस्ट का यूज नहीं करते तो सेनेटाइजर मस्ट नहीं है अगर किसी के छुए ऑब्जेक्ट को आप छूने जा रहे हैं बट इट इज इट शुड बी यूज इट इज एन एडवाइस दैट यू शुड यूज अ सेनेटाइजर इफ यू आर गोइंग टू टच और इफ़ यू हैव टचड एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी बींगो विच ऑलरेडी बीन टचड बाई एल्स ओके तो अ सैनिटाइजर शुड बी यूज नेक्स्ट टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अब ये तो बहुत क्लियर है कि सेफ रहने के लिए क्या कंपल्सरी है अभी कि हम अपनी खुद की वॉटर बॉटल लेकर जाए तो इट इज़ अ मस्ट मस्ट नॉट तो हो ही नहीं सकता कि क्या नहीं लेकर जानी है लेकर जानी है हंड्रेड परसेंट ना क्वेश्चन नंबर एट वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी एनश्योर्ड अब क्या है कि इस समय ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इट इज़ आर ड्यूटी टू एंश्योर दैट वी वॉश आर हैंड्स रेगुलरली सो वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी एंश्योर ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है नेक्स्ट यू डैश ट्राई टू डिवेलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम अब क्या ये आपके लिए ज़रूरी है कि क्या कंपल्शन है कि आपको साइन लैंग्वेज डेवलप करनी है क्यों चाह रहे हैं वो कि आप बोल जितना कम बोलेंगे तो वो हमारा एयर जो माउथ uh, से जो एयर है वो कम बाहर जाएगी तो सामने वाले को कम एक्सपोजर होगा क्योंकि कह रहे हैं कि कोविड जो है खांसने छींकने और बोलने से भी फैलता है इसीलिए मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है कि सामने वाले का माउथ uh, से निकलने वाले एयर से आपका एक्सपोजर कम से कम हो तो ऐसे में वो कम बोलने के लिए है कि हम साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें पर क्या ये कंपल्शन है नो no. तो हम क्या कर सकते हैं क्या ये मस्ट है कि यू मस्ट ट्राई नो यू यू मस्ट नॉट ट्राई बट यू कैन ट्राई हम कर सकते हैं कोशिश तो वी कैन ट्राई टू डिवेलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम नेक्स्ट ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी अब ये क्या है यहाँ पर एडवाइस कि हम सबको क्या करना चाहिए इस समय हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए वी शुड ईट हेल्दी हेल्दी फूड सो वी शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी ठीक है तो मैं एक बार सारे आंसर्स फिर से रिपीट कर देती हूँ दीज डेज वी मस्ट वेयर अ मास्क वेन वी गो आउट अ शील्ड शुड बी वॉन इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोना पेशेंट यू कैन वेयर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम अ सैनिटाइजर Should be used after you touch any object used by others. To be safe, carrying your own water bottle is a must. People living in containment areas should minimize public contact. Washing hands regularly must be ensured. You can try to develop a sign language to avoid speaking all the time. All of us. should eat healthy food to boost our immunity so that was our worksheet number 34 uh, i hope all of you will comply by the instructions and the advice given by the uh, government of india for prevention of spreading covid ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिए हाथ धोते रहिए सफाई का पूरा ध्यान रखिए और जितना हो सके घर पर ही रहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम जितना आप बाहर के लोगों के संपर्क में आते हैं कोविड उतना ज्यादा फैलता है ठीक है सो होपिंग फॉर द वेलबींग ऑफ एवरी वन ऑफ अस थैंक यू